सुप्रभात बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्वर ए के बारे में, याद है ना आपको? ए से एड़ी, ए से एक तारा। तो चलिए सबसे पहले हम अभ्यास करते हैं स्वर ए का। ए से एक, ए से एक तारा, ए से एक तारा, ए से एशिया, ए से एशिया, ए से एड़ी। ते हैं स्वर ए की बनावट। आपने अपनी पेंसिल इस डॉट पर रखनी है। एक मोर था। कौन है ये? एक मोर। उसकी लंबी पंखों वाली पूंछ थी। क्या है ये? पूंछ। और एक और मोर था, लेकिन उसकी तो पूंछ छोटी थी। तो ये क्या बन गया? स्वर। बच्चों, आपने अभ्यास किया स्वर ए का, सबको याद आ गया। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी स्वर ए के बारे में। क्या बोलते हैं इसको? स्वर ए। इसके सर पर तो एक कलगी भी होती है। ए से ऐनक। इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें दिखने में दिक्कत होती है। ए से ऐनक। एम्बुलेंस। जब कोई बीमार हो जाता है तो हॉस्पिटल से कौन लेने आती है गाड़ी? एम्बुलेंस। ऐसे एरावर। ये कौन सा जानवर है? ये तो हाथी है। एरावर। ऐसे एटलस। ये क्या है? ये तो हमारी भारत का नक्शा है। ऐसे एटलस। चलिए सीखते हैं स्वर ए की बनावट। एक मोर था जिसके लंबे पंखों वाली पूंछ थी, और एक और मोर था, उसकी पूंछ छोटी थी। आपको पता है बच्चों, इस छोटे मोर के सर पर एक कलगी भी थी। जी हाँ, ये क्या बन गया? स्वर ए। एक और बार बनाते हैं। एक मोर था जिसके लंबे पंखों वाली पूंछ थी, एक और मोर था जिसकी छोटी सी पूंछ थी। पता है ना, इस मोर के सर पर एक कलगी थी। चले दोबारा बनाएं। एक मोर था जिसके लंबे पंखों वाली पूंछ थी, एक और मोर था जिसकी पूंछ छोटी थी, और इस मोर के सर पर क्या थी? कलगी। चले अब आप मेरे साथ बोलेंगे। ऐसे एरावत हाथी आया, सूंड उठाकर नाच दिखाया। ऐसे एरावत हाथी आया, सूंड उठाकर नाच दिखाया। अब सभी बच्चे अपनी हिंदी बुक का पेज 31 करेंगे।